सोलन के पर्यटन स्थल बड़ोग में 5 साधु घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। स्थानीय लोगों को जब शक हुआ कि ये साधु नहीं बल्कि साधु के बेस में कोई और हैं, तो सभी लोग वहां एकत्रित हुए और मौके पर पंचायत उप प्रधान सुनील कश्यप को भी बुलाया। जब उनसे गहन पूछताछ की गई तब पता चला कि वे साधु नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय से हैं और साधु का वेश धरकर पैसे कमाने का उद्देश्य से हिमाचल आए हुए हैं। जब इस बात का खुलासा हुआ तो स्थानीय लोगों द्वारा इन फर्जी साधुओं की शिकायत पुलिस में करवाई गई और सभी ने धर्म से खिलवाड़ करने वाले इन ढोंगी बाबाओं पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। उप प्रधान सुनील कश्यप ने खुलासा करते हुए कहा कि बड़ोग में 5 संदिग्ध युवा साधु के बेश में भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन यहां 5ों युवा देखने में साधु प्रतीत नहीं हो रहे थे, इसलिए शक के आधार पर इनसे पूछताछ की गई तो सभी साधु ढोंगे निकले। जब इनके आधार कार्ड की जांच की गई तो सभी 5ों युवक मुस्लिम समुदाय से हैं, जो हिंदू धर्म का अनादर कर रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में करवाई है और सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की है। आज बड़ोग गांव में 5 लोग पकड़े गए जो हिंदू वेशभूषा में यहां पर गांव में घूम रहे थे और हकीकत में मुस्लिम थे। जब उनके आधार कार्ड यहां पर हमारे स्थानीय जो पुलिस के कर्मचारी हैं उन्होंने उनसे आधार कार्ड मांगे तो उससे जानकारी मिली कि ये लोग मुसलमान थे और जो हिंदू धर्म के नाम पर यहाँ पर लोगों के बीच में घूम रहे थे, जिनका नाम, एक का नाम मजीद, एक का नाम मोहम्मद रफ़ी, एक का नाम साजिद था। तो स्थानीय लोगों ने सबने मिलकर इनको यहाँ पर पकड़ा है बड़ोग में और पुलिस को इसकी जानकारी थाने में इसकी कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई है।